गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल। और आपके शिवरात्रि वेकेशन कैसे गई? किसने किसने फास्ट रखा था कल? आपको मालूम है शिवरात्रि क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हम शिव जी की पूजा करते हैं इसमें। आप लोगों ने पूजा किया था बच्चों और फास्ट रखा था? मुझे सब लोग बताना किसने किसने फास्ट रखा था। और कल तो वो जो आपने इंजॉय भी किया होगा और जहाँ पे मेला लगता है तो मेला भी गए होंगे। तो कल तो आपने एंजॉय किया, आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर चैप्टर 6 के। क्वेश्चन 1 क्या है? हु इज ताशा? ताशा कौन थी? ताशा इज अ टाइगर। ताशा टाइगर थी ना। चैप्टर का नाम क्या है? राजा द टाइगर कब। तो राजा तो सबसे छोटा टाइगर है, बट राजा की जो माँ है उसका नाम क्या था? ताशा। ताशा इज अ टाइगर। सेकेंड क्वेश्चन, वॉट डज ताशा शो टू हर कब्स? ताशा अपने कब्स को क्या दिखाती है? ताशा शोज देम हाउ टू फाइंड फूड। क्योंकि देखो हम लोग, मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग खाना अपना खाते कैसे, हम लोग जब छोटे होते हैं मम्मा खाना खिलाती है ना। लेकिन वो तो एनिमल है, वो फॉरेस्ट में रहता है, वाइल्ड एनिमल। तो वो दूसरे एनिमल को मारते हैं, उसका मीट और फ्लैश खाते हैं ना, तो उनको हंट करते हैं। ताशा उनको सिखाती कैसे खाना हंट, किसी एनिमल को कैसे हंट करते हैं, अपना खाना कैसे ढूंढते हैं। तो ताशा शोज देम हाउ टू फाइंड फूड। क्वेश्चन 3, व्हाट इज इन द स्काई? स्काई में क्या है? तो स्काई में क्या होता है? देयर इज अ मून इन द स्काई। क्वेश्चन 4, हु वॉक्स फास्ट? कौन बहुत तेज चलता था? तो ताशा, आशा एंड साशा। जो ताशा कौन थी? राजा की मम्मी। आशा एंड साशा राजा की बड़ी सिस्टर्स, मतलब टाइगर्स। तो क्या होगा? ताशा, आशा एंड साशा वॉक फास्ट। क्वेश्चन 5, वाई डज राजा गेट लॉस्ट? बिकॉज राजा वॉक स्लो। क्योंकि राजा जो है बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि वो सबसे छोटा था इसलिए राजा वॉक स्लो। इट वॉज अ पेज नंबर 41। नाउ पेज नंबर 42। जो ग्रामर का टॉपिक क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो हम नाउन के प्लेस पे यूज़ करते हैं, नाउन के प्लेस पे। जैसे गर्ल है, अगर कोई लड़की है, गर्ल है, उसके लिए हम शी यूज़ करेंगे। बॉय है, उसके लिए हम ही यूज़ करते हैं। मी के लिए आई, एंड अगर एक से ज़्यादा कोई है तो उसके लिए हम दे यूज़ करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्या है? रीना इज स्टडिंग। रीना, रीना कौन है? रीना इज अ गर्ल। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? शी इज स्टडिंग। रीना इज अ गर्ल, शी इज स्टडिंग। क्वेश्चन 2, अमित एंड पिया प्ले। अमित एंड पिया, देखो एक अमित है एक पिया है, दो लोग हो गए ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दे। अमित एंड पिया दो लोग हैं, उनके लिए दे प्ले। थर्ड, आई एंड माई सिस्टर। आई एंड माई सिस्टर मतलब मैं और मेरी बहन। मैं और मेरी बहन क्या हो जाएगा? वी, वी लर्न। आई एंड माई सिस्टर लर्न नहीं, वी लर्न। क्वेश्चन 4, सिया इज डांसिंग। सिया इज डांसिंग। सिया कौन है? शी इज अ गर्ल। तो हमने क्या यहाँ पे यूज़ किया इसका? शी इज डांसिंग। फिफ्थ वन इज रोहन। रोहन इज रनिंग। रोहन इज अ बॉय। तो यहाँ पे बॉय है तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ही इज रनिंग, ही इज रनिंग। सिक्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर प्लेइंग। माई ग्रैंड पेरेंट्स आर प्लेइंग, प्लेइंग। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? दे आर प्लेइंग, मतलब हमें माई ग्रैंड पेरेंट्स को हटा के क्या लिखना है? दे आर प्लेइंग। यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, तो यू कैन राइट हियर। ओके, नाउ 7th वन इज माई मदर इज कुकिंग। माई मदर इज कुकिंग, तो क्या हो जाएगा? शी इज कुकिंग, शी इज कुकिंग। 8, लिटिल बॉय इज लाफिंग। लिटिल बॉय इज लाफिंग। यहाँ पे लिटिल बॉय है तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? ही इज लाफिंग। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन हम किसी भी नाउन के प्लेस पे जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे प्रोनाउन बोलते हैं। इसका इस बार जो हमारी ऑनलाइन क्लास होगी इसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी एक बार फिर से।
और इसमें जो आपको डाउट्स होंगे आप मुझसे उस टाइम पे पूछना और मैं उसको क्लियर करूँगी उस टाइम पे। सो स्टूडेंट्स जस्ट टेक केयर, एंड कल मैं आपको सैटरडे में राइटिंग पोर्शन सेंड करूँगी 1 पेज, आप अपना राइटिंग पोर्शन करना, पेज नंबर 78 कल का होमवर्क होगा। तो अभी आज का होमवर्क क्या है, पेज नंबर 41 एंड 42। ओके जस्ट टेक केयर गाइज़।